तो हाय गाइस, एसर स्विफ्ट एक्स जी वाला जो लैपटॉप है, ये बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग लैपटॉप रहने वाला है जब ये अवेलेबल हो जाएगा परचेज करने के लिए। और ये लैपटॉप जो है सबसे ज्यादा जो लोग खरीदेंगे वो है गेमर्स। क्यों? क्योंकि लैपटॉप जो है एक बजट कैटेगरी के अंदर लॉन्च होगा विद RTX 3050 GPU। स्पेशली गेमर्स इसके ऊपर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, बट मैं आप लोगों को बता दूं ये गेमिंग के लिए नहीं है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे इसकी स्पेसिफिकेशंस, फिर हम लोग जानेंगे कि आपको ये गेमिंग के लिए लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो किस किस पर्पसेस के लिए ये वाला लैपटॉप बना है उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ी सी लॉन्च डेट और प्राइसिंग के बारे में भी बीच में बात हो जाएगी। तो अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। 3500 सब्सक्राइबर्स हम लोगों को कंप्लीट करने हैं, वो आप लोगों को पता ही है। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक कर दिया है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें शुरू कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वाले लैपटॉप के प्रोसेसर से। ये एक अल्ट्रा बुक के कैटेगरी के अंदर आता है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को इसके अंदर यू सीरीज वाले प्रोसेसर ही मिलेंगे। तो राइजन 5600U और राइजन 7500U, ये दो ऑप्शन आप लोगों को इस वाले लैपटॉप में अवेलेबल होते हुए दिखेंगे। जो हमारा राइजन 5 है वो आता है 6 कोर और 12 थ्रेड्स के साथ। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार गेमिंग करने में तो उसमें कैड़ा मजा आ जाएगा, फिर तुम मना क्यों कर रहा हूं? अभी रुको, जरा बता रहा हूँ, रुको थोड़ी देर। और जो हमारा Ryzen 7500U है वो आता है 8 कोर और 16 थ्रेड्स के साथ। बट दिक्कत पता है क्या है? जो Ryzen 7 है ना, उसकी बेस क्लॉक स्पीड 1.9 GHz है। मतलब खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो मल्टीटास्किंग के लिए तो ये लैपटॉप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट अगर हम सिंगल कोर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा पीछे रह जाता है Ryzen 5 3550H से भी। तो गेमिंग के लिए प्रोसेसर नहीं बना है, बट हाँ, अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है, वीडियो एडिटिंग जैसे टास्क करने हैं, तो बहुत ज्यादा बढ़िया और पावरफुल प्रोसेसर है ये वाला जो लैपटॉप है। ये RTX 3050 Ti वाले GPU के साथ आता है, जिसके अंदर आपको DLSS भी मिलता है। और NVIDIA ये क्लेम कर रही है कि ऑलमोस्ट जितने भी मॉडर्न AAA टाइटल्स हैं उसमें मीडियम सेटिंग्स पर 60 FPS पे रे ट्रेसिंग ऑन और DLSS ऑन करके ये वाला लैपटॉप या फिर ये वाला GPU जो है 3050 Ti, वो आपको 60 FPS से ऊपर दे देगा। आप मान सकते हो कि ये बहुत ज्यादा केपेबल ग्राफिक्स कार्ड है। हालांकि 4GB की VRAM के साथ आता है, बट DLSS इसको बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देता है। डिस्प्ले के बारे में बात करें इस लैपटॉप की, तो यहाँ पर 14 इंच की डिस्प्ले हम लोगों को मिलती है। IPS वाली डिस्प्ले है, फुल HD+ वाला रेजोल्यूशन है, और अच्छी बात यह है कि 100% sRGB है। वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार अल्ट्रा बुक के अंदर इतना ज्यादा बड़ा ग्राफिक्स कार्ड भी दे देंगे और उसके बाद 100% sRGB दे दोगे, तो कॉस्ट कटिंग कहाँ करोगे यार, प्राइस कैसे कम करोगे? और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है वो 85% है, तो बेजल्स तो आपको बहुत ही ज्यादा थिन मिलेंगे। जो बैटरी है इस वाले लैपटॉप में वो क्लेम करी जा रही है कि 17 घंटे तक आप इसको स्टैंड बाय मोड पे चला सकते हो, लेकिन हम लोगों को भी पता है कि 2-3 घंटे से ऊपर ये चलने वाला नहीं है गेमिंग में। और 59 वॉट आवर की इसकी बैटरी कैपेसिटी है, तो बैटरी काफ़ी अच्छी है। नो डाउट मल्टीटास्किंग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट वही बात है, गेमिंग में तो चाहे आप 90 वॉट आवर भी दे दो कमी पड़ेगी। तो ये थी पूरे लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन। थोड़ी सी प्राइसिंग के बारे में बात कर ली जाए, तो ये फॉरेन में लॉन्च हुआ है $900 का या 900 यूरोस का, और इसकी जो इंडिया में कन्वर्ट करें तो वो 65,000 रुपीस बनती है प्राइसिंग। अब ऑब्वियसली 65,000 रुपये में आपको 3050 Ti वाला लैपटॉप इंडिया के अंदर तो मिलेगा ही नहीं, है ना। ऑफलाइन मार्केट में लोगों को तो 90,000 से पार जाएगा लैपटॉप, तो इट शुड बी अराउंड 75,000 रुपीस टू 80,000 रुपीस। अगर इससे ऊपर जाती है तो भाई तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन 75,000 रुपीस तो एक बहुत अच्छा प्राइस रहेगा इस वाले लैपटॉप को लॉन्च करने का। बट वही बात है, ओवर प्राइसिंग करनी है तो इंडिया से सीखे बंदा। लॉन्च के बारे में बात करें तो आफ्टर जुलाई ये वाला लैपटॉप लॉन्च होगा, क्योंकि एसर के जितने भी अभी आने वाली चीजें हैं वो जुलाई के बाद ही होंगी। आउट ऑफ स्टॉक में जो लैपटॉप है वो भी जुलाई के बाद ही सेल पे जाएंगे दोबारा से, और ये वाला लैपटॉप जो है हो सकता है जुलाई में ही या जुलाई के बाद ही जो है हम लोगों को अवेलेबल टू बाय दिखे। लॉन्च ही हो चुका है, बस अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब अवेलेबल होगा बाय करने के लिए और कब हम इसके बेंचमार्क्स देख पाएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये वाला लैपटॉप गेमिंग के लिए क्यों नहीं बना। सबसे पहली बात तो ये कि इसके अंदर यू सीरीज वाले प्रोसेसर है। चाहे आप यू सीरीज के अंदर जितना मर्जी कोर्स और थ्रेड्स दे दो, बट जब उसकी क्लॉक स्पीड ही पुअर रहेगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात ये, आपको स्क्रीन पे फोटो शो हो रही होगी, इसका जो कूलिंग सिस्टम है, सबसे पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल फैन है इसके अंदर। हालांकि ये सर क्लेम कर रहे हैं जो 10% एयर इनटेक है वो कीबोर्ड के थ्रू से होगा, मतलब कीबोर्ड की तरफ से भी अगर एयर इनटेक हो रहा है तो इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा वो। और अगर आपको एयर इनटेक के लिए कीबोर्ड वाली जगह देनी थी तो हम कूलिंग पैड कहाँ लगाएंगे? चलो वो चीज छोड़ो, कूलिंग सिस्टम इस लैपटॉप में इतना बढ़िया नहीं है कि ये ज्यादा हैवी गेम्स हैंडल कर पाए 1 घंटे से ऊपर। और सबसे ज्यादा मेजर ड्रॉबैक है गेमिंग के लिए कि 14 इंच की डिस्प्ले में आप कभी भी गेमिंग कर ही नहीं सकते, बंदे नहीं स्पॉट हो पाएंगे तो क्या ही फायदा है। और डिस्प्ले में ही दूसरी बात यह कि 60Hz की डिस्प्ले रहेगी इसकी, और 70-75 हज़ार रुपये का ये लैपटॉप आएगा। उस प्राइस में हम एक्सपेक्ट करते हैं 144Hz की डिस्प्ले हो, तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा पीछे रह जाता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि गेमिंग के लिए तो ये लैपटॉप बना ही नहीं है।
हाँ, लेकिन अगर आपको प्रोडक्टिविटी करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, या आपको फोटोशॉप वगैरह चलानी है, आप फ्रीलांसर का वर्क करते हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया लैपटॉप है। ऑफिस वर्क के लिए लेना तो भी ये बहुत गजब लेवल का लैपटॉप है। बट दिस लैपटॉप इज नॉट मेड फॉर गेमर्स। नो डाउट कि ये वाला लैपटॉप आपको बेंचमार्क्स में बहुत ही ज्यादा बढ़िया FPS प्रोवाइड कर देगा, लेकिन अगर आप खुद गेम खेल के देखोगे इस लैपटॉप में तो ये गैस का तवा हो जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए आई विल नॉट रिकमेंड दिस लैपटॉप फॉर गेमिंग। अगर ये लैपटॉप 70,000 का भी लॉन्च हो जाता है तब भी नहीं मैं कहूंगा कि आप इसको गेमिंग के लिए खरीदो, क्योंकि वही बात है, आपको FPS जितने मर्जी मिल जाए लेकिन लैपटॉप भी थ्रॉटल होने लग जाएगा। यू सीरीज का प्रोसेसर है तो बॉटलनेक होने लग जाएगा, तो फिर क्या ही फायदा गेमिंग करने का। तो बस यार इस वीडियो में इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है, लाइक। अगर चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके जाना, फिर तो आगे मुलाकात होती रहेगी आपसे। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए बहुत ही बंदे हैं। और अगर आप आधे घंटे के अंदर अंदर कमेंट करोगे तो हो सकता है कि आपको मेरे से रिप्लाई भी मिल जाए। और अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं मिलता है तो डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM करोगे तो आपको 100% रिप्लाई मिल जाएगा। तो बस फिर मैं मित्रों से वीडियो में एक नया टॉपिक साथ में, तब तक के लिए बाय।